Maa Bhavani Nath Balmiki. Maa Jai Shri Mahakal. Yes. And बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना precious time दिया और कल महाशिवरात्रि का स्नान है और उसके बाद आप लोग जा रहे हो सबसे पहले तो I would like to know कैसा आपका अनुभव रहा इस कुंभ में प्रयागराज अनुभव तो सिर्फ हमारी अपने पहचान की लड़ाई थी वो हमें पहचान मिल गई और जो भी पहचान के लिए निकलता है और उसमें कामयाब मिलता है क्योंकि ये किसी दूसरे की लड़ाई थी मेरे असूर की लड़ाई थी मेरी पहचान की किसी दूसरे की अपने लिए निकलता है और कैसा स्नेह और कैसा प्रेम मिला आपको और प्रयागराज की जनता से यहाँ पे विश्व से लोग आए आपसे मिले और इस अखाड़ा ने किन्नर अखाड़ा ने मतलब एक एक अलग ही स्थान लोगों के दिल में बनाया ये देखो थोड़ी सी ना आपकी बातों में दुविधा होती है कि लोगों के दिल में स्थान मेरा प्राचीन काल से है और अभी भी है लेकिन कुछ धर्म अधिकारियों सत्ता अधिकारियों ने किन्नर समाज को एक उपेक्षित कर रखा था समाज ने नहीं सिर्फ दो विभाग ऐसे थे जिन्होंने किन्नर समाज को उपेक्षित कर रखा और वो ही पर्दा हटाना था और उन्हों से हमें जीतना था बस सिर्फ दो विभाग से अलग कोई प्लेनेट नहीं रखा गया तो मैं एलियन नहीं आपके समाज में सी आती मेरे भी दो हाथ है दो पैर है दो आँखें हैं वही अनाज मैं खाती हूँ वही अनाज आप खाती हो कोई मेरे लिए अलग से अनाज पैदा नहीं होता है फिर मैं कैसे अलग हो सकता हूँ मेरे समाज से उत्पत्ति नहीं तुम्हारे समाज से हमारी उत्पत्ति होती है तो अलग कहाँ से सिर्फ एक हमें रेपुटेशन की और समाज में इज्जत की लड़ाई थी वो हमें मिल गई वो आपको मिल गई और फेस्टिवल एक सेलिब्रेशन इतने सारे लोग सनातन धर्म पवित्रता और विश्व में शांति की स्थापना जब हम सब मिलते हैं आपको क्या लगता है विश्व में क्या है जो शांति ला सकता है सबसे पहले कुंभ का महत्व क्या है कुंभ एक मथनी है जैसे मक्खन दूध को जमा के दही से मक्खन अलग किया था छाछ वही धर्म के लिए कुंभ है इसके अंदर धर्म की मथा जाता है बुराइयाँ अलग निकल जाती है धर्म बिल्कुल प्योर होकर जैसे मक्खन निकल के बाहर आता है ऐसे धर्म बाहर आता है तो इसलिए ये कि अपने विचारों को अपने धर्म को अपने सनातन जो भी वैदिक जो भी बातें हैं उनको कितनी अच्छी तरीके से आने वाली जनरेशन को हम ये धरोहर आगे पहुँचाएं हम अलग अलग समाज को बिलोंग करते हैं हम अलग अलग धर्म को मानते हैं हमारे इष्ट अलग अलग होते हैं क्या ऐसा आप मूल मंत्र देंगे कि हम उस मूल मंत्र को पकड़कर सिर्फ एक परमात्मा से मिलने का प्रयास सत्य सत्य लेकिन सत्य को तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है माँ पहले बात तो आप ये सोचो कि आप मनुष्य तो ये सत्य है ये सत्य है आत्मा है आत्मा कहाँ से है परमात्मा जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा से हो और आपका मनुष्य होने का जीवन सत्य है तो सत्य सत्य है आप कब तक समाज समाज क्या है समाज तो एक चलने का तरीका है सोसाइटी है सोसाइटी कभी अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है सोसाइटी को हमने ही इतना बढ़ावा दिया कि उसके अंदर बुराइयां आगे निकल चुकी है और सत्य और धर्म पीछे क्योंकि हमने कंपटीशन चालू कर दिया और कंपटीशन हमने से अपनी जरूरतों के लिए चालू आज का मानव क्यों परेशान हो रहा है अपनी जरूरतों के लिए ज़रूरत या आवश्यकता वो दोनों ही तो कैसे ज़रूरत है आपकी ज़रूरत क्या है दो रोटी एक बिस्तर और दो जोड़ी कपड़े जब इससे बड़ी तुम्हारी अभिलाषा हो जाती है यानी कि ओवर एम्बिशियस महत्वाकांक्षी रूह की पवित्रता ईश्वर को पाने में कितनी सहायक है सत्य बोलो अपने आप को पहचानो अपनी इज्जत करो सिर्फ अपनी इज्जत अपनी इज्जत करना सीख जाओगे तो समाज की इज्जत अपने आप हो जाएगी सिर्फ अपनी इज्जत करना इंसान छोड़ भूल चुका है अपने से मोहब्बत करो क्योंकि तुम्हारे अंदर ही खुद परमात्मा है तुमने अपने परमात्मा को छोड़ के सामने वाले की वैल्यू को इज्जत देनी चालू कर दी इसलिए प्रॉब्लम ईर्ष्या कितनी बाधक है एक इंसान को अपना अस्तित्व पाने में ईर्ष्या जो द्वेष हमारा हो जाता है लोगों से है ना नाकामयाबी ही इंसान को ईर्ष्या पैदा करती है और कामयाबी की क्या परिभाषा है आपके लिए कामयाबी की परिभाषा है कि आज को सुधारो कल तुम कामयाब आज को सुधारो
हम आज 2 रुपये बचाएंगे तो कल बचते बचते वो 4 हो जाएंगे, आज हम 10 रुपये कमा रहे 12 रुपये का खर्चा करें तो रोज 12 होंगे, और वो 2 12 कहाँ से लाओ। माई कभी कभी क्या होता है, जो हमारा भूतकाल होता है, जो हमारा पास्ट होता है, वो हमारा पीछा करता है। हाँ, कभी कभी हम उसमें दोषी नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं ना गेहूँ के साथ घर को भी पिसना पड़ता है, तो उससे अपने आप को कैसे इंसान अलग करें। आज में जीवित है, आज में जीवित है, कल तो देखो कभी तुम्हारे पी देखो, इतिहास को ही बदल नहीं सकता और भविष्य को ही बता नहीं सकता, जीना वर्तमान में ही पड़ेगा। आज वर्तमान सही तो भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, इतिहास तो तुम्हारे पिछला चैप्टर दिखाता है कि ये गलती तुमसे हुई है, और उस गलती को होने के बाद भी तुम आज गलती करे तो परसों तो बहुत बड़ी गलती है, तो इसीलिए आप हारते समझ सकते हैं, और वो घार वो डर वो कमजोरी आपको गुलाम बना देती है, कभी पैसे का गुलाम, कभी जोतों का गुलाम, कभी इंसान का और कभी ईर्ष्या का गुलाम। भवानी माँ सब आपको मिलते हैं, कहते हैं आप बहुत सुंदर हो, तो आपको कैसा लगता है? हाँ मैं हूँ सुंदर, क्योंकि मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने से ही फुर्सत ही नहीं मिली, जिस दिन अपने से फुर्सत मिलेगी जही मैं सामने वाले को सुंदर कह सकती हूँ। भाई मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं अपने से मोहब्बत करती हूँ, जिस दिन मैं अपने आप से बोर हो जाऊँगी शायद मुझे दूसरा सुंदर। नहीं नहीं, आप कभी नहीं बोरोगे अपने आप से। और भवानी माँ एक चीज़ बताइए, आपको इतना अनुभव है जीवन का, आपके चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग घूमते रहते हैं, आप सबको समझ जाते हो कौन किस इरादे से आपके आगे पीछे है, समझ जाते हो, तो कैसे डील करते हैं आप इन लोगों? देखिए आप लोग क्या है कि आप लिखा हुआ पढ़ के इंसान को पढ़ते हो, और हमने समाज पढ़ा है, और जो समाज पढ़ता है वो तो समझना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो समाज और समझना एक ही है, और आप लिखतम की बकतम करते हो, लिखे हुए को बकते हो, तो वो तो बकते ही रह जाओगे, बकते रह जाओगे। धर्म क्या है? धर्म एक सत्य ही, सत्य ही आपका धर्म, मेरा नाम से मैं कहती हूँ धर्म ही सत्य है, ढाई अक्षर है धर्म का, इंसानियत का ढाई अक्षर, धर्म का ढाई अक्षर है, धर्म लिख के देखो, लिख के देखो, सत्य लिख के देखो, प्रेम लिख के देखो, हर ज्यादा हर जगह आधा अक्षर मेरे समाज का मिलेगा, क्यों हो ही नहीं सकते। और ये श्रृंगार का क्या रहस्य है? ये श्रृंगार ना तो ये श्रृंगार, ये नारियों का तो श्रृंगार था ही, किन्नरों का 16 श्रृंगार, क्योंकि औरत के जीवन में 3 स्टेट आती है, एक बालपन होता है उसमें लड़की पूरा 16 श्रृंगार नहीं कहती, और एक आता है विधवापन, उसमें नहीं कह सकते, एक सुहागन औरत ही श्रृंगार कर सकते, लेकिन किन्नर 8 साल से लेकर 80 साल तक श्रृंगार कर सकते, तो श्रृंगार तो मेरा है, तो मैं उसमें नहीं खुश हूँ तो किसमें खुश हूँ? मेरे महादेव ने मेरे को ये बोला था कि सजो और सजो, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, माई आशीर्वाद दे दो खुश, और उन सबको भी आशीर्वाद, महाकाल अच्छा खुश रहे, सत्य को दिल से अपना, जय हो।